हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा कढ़ी और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनने वाली है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें मेरे तरीके से अंडा कढ़ी बना के, मुझे यकीन है आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो फ्रेंड्स, अंडा कढ़ी बनाने के लिए मैंने एग को बॉईल कर लिया है और बॉईल करके इसको अच्छे से पील कर लिया है और कढ़ाई में देखिए तेल गरम कर लिया है मैंने। और हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा ये छटकता है तो इसको आप बहुत आराम से फ्राई करें और अपना फेस जो है वो थोड़ा दूर रख लें, अदरवाइज कभी कभी ना ये फेस के ऊपर भी आ जाता है। तो इसको हम फ्राई करेंगे, करीबन 1 से 2 मिनट लगेगा। मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी और मैं फ्लेम को हाई करके, हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है एग। कुछ लोग इसको बिना फ्राई किए हुए भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई करके बनाती हूँ क्योंकि इसका स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तेल गर्म है, अब इस तेल के अंदर हम डालेंगे प्याज। तो इसमें मैं करीबन मीडियम साइज के 2 प्याज डाल रही हूँ, थोड़ा प्याज और मीडियम साइज का 2 प्याज है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और फ्लेम हाई है, हाई फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे। तो जब तक ये प्याज भूनता है तब तक देखिए मैं एक टिप बताती हूँ। जब अंडा आपका फ्राई हो जाए तो एक फॉक लेंगे और फॉक की मदद से इसको आप इस तरीके से इसमें छेद कर दें। इससे क्या होगा, जब ये होल करोगे ना तो अंडा करी जब आप ग्रेवी में डालोगे तो ग्रेवी इसके अंदर बहुत अच्छे से चली जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक और शेयर करूँगी, काइंडली आप उसको देखिए। ये हमारा तेल जो है वो काफ़ी गर्म है, तो फटाफट ये प्याज भून रहा है। तो जब प्याज बिल्कुल रेड कलर का हो जाएगा तब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा प्याज जो है वो बिल्कुल भून के बिल्कुल गोल्डन हो गया है, आप देख सकते हैं। इसी समय मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर। तो टमाटर मैंने 1 टमाटर लिया है और जिसको बहुत अच्छे से चॉप कर दिया है, इस टमाटर को मैं डालूंगी। और इसी समय जाएगा सारा मसाला, जो भी मसाले हमारे हैं वो इसी समय डालूंगी। अब मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये देखिए 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। अब जाएगा इसके अंदर जीरा पाउडर। अब जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर। और मिर्च डालेंगे, तो मिर्च आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं तो हमने थोड़ा तीखा डाला हुआ है इसके अंदर, मिर्च ज़्यादा डाला हुआ है, आप अपने स्वाद के अनुसार इसको कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, जितना भी नमक खाते हैं, तेज खाते हैं या कम खाते हैं। और अब हम इसको ढकेंगे और ढक करके इसको हम पकाएंगे जब तक कि कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। तो इसमें करीबन 4 से 5 मिनट मिले लगे। तो देखिए फ्रेंड, करीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसी वक्त इस अंडे को हम डाल देंगे जो एग को हमने फ्राई किया था। और कुछ नहीं करना, बस आप इसे 1-2 बार चला दें और थोड़ा सा पानी डाल दें। आप डिपेंड करता है कि आप रोटी के साथ खा रहे हो या चावल के साथ, तो हम इसको रोटी के साथ खाने वाले हैं। पानी जितना डाल रहे हैं आप, इसको मीडियम फ्लेम पे पानी को तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी हाफ ना हो जाए। ये ज़रूरी है इसलिए क्योंकि अगर आप तुरंत इसको तेज फ्लेम पे बॉईल कर दोगे तो क्या होगा, एग के अंदर जो एब्जॉर्ब है मसाले और नमक वो एब्जॉर्ब नहीं कर हो पाएगा। इसलिए आप इसको क्या करो, पानी को आप उतना डालो जितना कि आप जो है इसको हाफ कर दो। और इसी समय मैं एक डालूंगी बे लीव इसके अंदर, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारा तैयार है, इसको मैं ढक देती हूँ और ढकने के बाद 3 से 4 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं, ये तैयार हो चुका है। गैस को मैं ऑफ कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। वाओ, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और पानी बिल्कुल हाफ हो चुका है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिश पसंद आई हो और आप अगर फूडी हो, खाने के बहुत शौकीन हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और मुझे बताते रहें कि किस तरह का डिश आपको पसंद है। और देखिए, जो भी डिश मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल मिनिमम इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ, एक मीडियम क्लास फैमिली को मध्य नज़र रख के बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे प्रमोट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला है।